नमस्कार दोस्तों, जिस टीए भर्ती और टेरिटोरियल आर्मी जिसे आप कहते हो, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है, मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये वो नोटिफिकेशन नहीं है। तो फिर मैंने इसे टेरिटोरियल आर्मी क्यों कहा? दोस्तों है ये टेरिटोरियल आर्मी की ही रिक्रूटमेंट, टीए भर्ती ही है, लेकिन इसमें ना सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें कुछ कंडीशन होती है, अगर आप वो कंडीशन को फुलफिल करेंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सब कुछ नॉर्मल कैंडिडेट की तरह ही है। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। अगर आपको टेरिटोरियल आर्मी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, और अगर आप इस पेज पे खुद आना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajayaka.in का लिंक दे रहा हूं, यानी कि ये वाला लिंक। आप वहां पे क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हो, और ये जो पीडीएफ टीए भर्ती की तरफ से, टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से इश्यू की गई है, इसको भी अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो दोस्तों कर सकते हैं। कैसे करेंगे डाउनलोड? जैसे ही आप इस पेज पे आओगे दोस्तों, आपने कुछ नहीं करना, बस नीचे आ जाना और यहां से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर लेना, जो मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप एलिजिबल हो या नहीं। और इसी के साथ अगर किसी को नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी होगी तो वो भाई यहां से कर लेना, ठीक है। तो चलो अभी फिलहाल मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जो है वो बता देता हूं। इसके पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जो दूसरी नोटिफिकेशन आने वाली है वो भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आप लोगों को पूरी डिटेल यहां पे मैं बता देता हूं। टेरिटोरियल आर्मी दोस्तों, इसमें पोस्टें मेंशन नहीं होती हैं, इसे हम कहते हैं टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर नॉन डिपार्टमेंटल एंट्री। दोस्तों इसमें एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑफलाइन आपका होगा, इसमें डिफेंस की ही जॉब है, इसमें जो एग्जाम होगा सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू डेट आपकी फरवरी 19 में आ जाएगी। एडमिट कार्ड का तो अभी कोई अपडेट नहीं है, वो बाय पोस्ट ही बताएंगे। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई कौन कर पाएगा। दोस्तों इसमें कर पाते हैं अप्लाई एक्स आर्म फोर्स कमीशन ऑफिसर जो होते हैं वही, और जेंडर सिर्फ मेल। अब ये एक्स आर्म ऑफिसर क्या होते हैं? मतलब जो आर्म फोर्स में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। अब ये आर्म फोर्स कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा वेट कीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, इसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल होगा। इसके अलावा तो ज्यादा मेंशन नहीं किया, लेकिन वो आपको चलिए बाद में पता चल ही जाएगा। दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें आप फिजिकली मेडिकली खाली फिट होने चाहिए। अब इसमें याद रखना, अगर कोई आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, पुलिस में है, गिरफ्ट में है, पैरामिलिट्री में है, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि अगर बात करें तो सिर्फ आर्म फोर्स टेरिटोरियल आर्मी के ही शायद लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आर्म फोर्स का तो आपको पता ही होगा। क्वालिफिकेशन दोस्तों, इसमें ग्रेजुएशन होती है, एज लिमिट 18 से 32 साल होती है। इसमें लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर बोली गई है। तो देखते हैं नोटिफिकेशन के अंदर कब ये नोटिफिकेशन आती है। फिलहाल तो नोटिफिकेशन के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे लिखा गया है 31 दिसंबर लिखा गया है, तो आई होप आप अप्लाई करना अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। बाकी दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर आपको पूरी जानकारी दी हुई है, क्या डॉक्यूमेंट है और फॉर्म वगैरह अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो मैंने यहाँ पे आपको लिंक दे दिया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट कर देना, एक और वीडियो हम इसके लिए बना देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप और भी इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का मेरा यूजर नेम है SajanAnalysis321। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?